पहले BMEE बेसिक मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्प्रिंग चैप्टर पे बात किए थे हम लोग। तो आज नेक्स्ट टॉपिक BMEE में ही कपलिंग का है। तो कपलिंग पे हम लोग देखते हैं बेसिक इंट्रोडक्शन। व्यवहारिक रूप से यह पॉसिबल नहीं है कि 10 मीटर से ज़्यादा लंबी शाफ्ट प्राप्त हो सके तथा मशीन तथा अन्य शाफ्टों को एक साथ नहीं बना सकते, उन्हें कभी भी अलग करने की आवश्यकता हो सकती है। अतः वास्तविक में शक्ति पारेषित करने के लिए आवश्यक लंबाई प्राप्त करने के लिए शाफ्टों को जोड़ा जाता है। तो जोड़ने में हमेशा कपलिंग का प्रयोग किया जाता है। मतलब कपलिंग, कपलिंग क्या है? कपलिंग का यूज दो शाफ्टों को जोड़ने के लिए करते हैं। शाफ्ट, शाफ्ट क्या है? शाफ्ट का यूज पावर को ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है। शाफ्ट रेशियो मोशन, शाफ्ट रोटेशन मोशन करता है और पावर ट्रांसमिट करता है एक मशीन से दूसरे मशीन पर। एंड टू शाफ्ट एड बाय द हेल्प ऑफ नट एंड बोल्ट कपलिंग। मतलब दो शाफ्टों को नट और बोल्ट की सहायता से जोड़ने की क्रिया को ही कपलिंग कहते हैं। देखते हैं टाइप ऑफ कपलिंग। रिजिड आर फास्ट कपलिंग, नॉन रिजिड आर फ्लेक्सिबल कपलिंग। रिजिड कपलिंग क्या है? हिंदी में कहते हैं रिजिड कपलिंग को दृढ़ युग्मक। ये वे कपलिंग है जो अलाइनमेंट में दो शाफ्टों को जोड़ने का कार्य करती है। इन कपलिंग में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है। मतलब इनमें क्या होता है, ये दो शाफ्ट बेसिकली एकदम सेम आकार के दो शाफ्ट होते हैं, उनको जोड़ने का कार्य करती है, उसमें अलाइनमेंट नहीं होता है। देयर आर फॉलोइंग टाइप ऑफ रिजिड कपलिंग, मफ और बॉक्स कपलिंग, हाफ लैप मफ कपलिंग, स्प्लिट मफ कपलिंग एंड सेकेंड वन फ्लेंज कपलिंग। नेक्स्ट है रिजिड नॉन रिजिड कपलिंग और फ्लेक्सिबल कपलिंग। नॉन रिजिड कपलिंग को लचीली युग्मक बोलते हैं, लचीली युग्मक। इन कपलिंग द्वारा उन शाफ्ट को जोड़ा जाता है जो एग्जैक्ट अलाइनमेंट में नहीं होती है। यह ड्रिवन शाफ्ट को शॉक्स को एब्जॉर्ब करती है। यह कपलिंग जब एक या दोनों शाफ्ट लोड को छोड़ देती है तो कपलिंग रिवर्स्ड स्ट्रेस प्रदान करती है। देयर आर थ्री टाइप ऑफ कपलिंग एंड सेकेंड ऑर्डर कपलिंग, थर्ड हुक्स आर यूनिवर्सल ज्वाइंट। हम लोग फर्स्ट बात करते हैं रिजिड कपलिंग में। दृढ़ प्रकार के कपलिंग निम्नलिखित जो अधिकतर प्रयोग होते हैं, मफ आर बॉक्स कपलिंग, इसे स्लीव कपलिंग भी कहते हैं, या छोटी साइजों की शाफ्टों को जोड़ने का रिजिड शाफ्ट कपलिंग का सबसे इजी वे है। अब हम लोग समझते हैं मफ और बॉक्स कपलिंग को। जैसे आप इस फिगर में देख पा रहे हो, यह बॉक्स और मफ है, की जीव है, ये आपको ये की लगा हुआ है यहाँ पे, ये जिस स्ट्रक्चर को आप देख रहे हैं ये की है, यहाँ पे की लगा हुआ है। एंड फर्स्ट शाफ्ट ये है और सेकेंड शाफ्ट ये है, इसमें दो शाफ्ट लगे हुए हैं। ठीक, जैसे कि आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं, यह कैप है, ठीक है, इस कैप को अगर इस डायरेक्शन से हम कट कर दें और इस डायरेक्शन से कटा हुआ है, तो एक शाफ्ट को हम इस डायरेक्शन राइट एंगल से अगर इन करते हैं और दूसरे शाफ्ट को लेफ्ट एंगल से इन करते हैं, ठीक है, दोनों शाफ्ट को जब इन करेंगे दोनों साइड से, तो ये बीच में जो शाफ्ट यहाँ पे आके मैच करेंगे, ये ऊपर का जो पोर्शन है इसको बोलते हैं बॉक्स आर मफ। ये ऊपर का पोर्शन जो है इसको बोलते हैं बॉक्स आर मफ, और जो अंदर में शाफ्ट लगे हुए होंगे दोनों, तो वो अपने शाफ्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से इसकी वर्किंग है। इसमें आप देखिए वही चीज जो आपको हमने समझाया वही चीज में बना हुई, ये बॉक्स और मफ लगा हुआ दोनों साइड में, ये ऊपर का पार्ट है और दोनों साइड से इसमें हम यहाँ पे देखिए शाफ्ट लगाए हुए हैं। फर्स्ट शाफ्ट ये है, सेकंड शाफ्ट ये है, ये है आपका फर्स्ट शाफ्ट, ठीक, और ये सेकंड शाफ्ट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाफ लैप मफ कपलिंग, अर्ध लैप मफ कपलिंग। इसमें जोड़ी जाने वाले शाफ्टों का चित्र के अनुसार पहले लैप जोड़ बनाते हैं, फिर सैडल कुंजी द्वारा मफ फिट किया जाता है। शाफ्टों के लैप या चित्र या चढ़ाव को टेपर में रखा जाता है। हाफ लैप कपलिंग क्या है? इसमें आप जैसे आप जब आपको बता रहे अनुसार पहले लैप जोड़ बनाते हैं, फिर सैडल कुंजी द्वारा मफ फिट किया जाता है। तो
इसमें शाफ्टों के लैफ या चढ़ाव को टेपर में रखा जाता है, या टेपर समानता, जो ये टेपर है, ये टेपर जो आपके बने हुए हैं समानता 1:12 के अनुपात में होते हैं। मीन टू से डेट ये आपकी जो ये डिस्टेंस है वन होगी, ये 1:12 के अनुपात में होते हैं। शक्ति पारेषण लैप द्वारा होता है, जबकि कुंजी जोड़ पर मफ को सरकने से रोकती है। ठीक है, आपका ये जो जोड़ लगे हुए हैं, ये आपके जो मफ फने हुए हैं, ठीक, अभी आपको बताते हैं, डिफिनेशन सुनिए फिर आपको समझाते हैं इसको, दोनों को रोकती हैं तथा शाफ्टों को तनाव बल द्वारा खींच कर अलग भी नहीं हो सकती है। यह एक अच्छी कपलिंग है, परंतु अधिक लागत के कारण बहुत कम प्रयुक्त होती है। आप इसमें देखने की कोशिश करिए, ये ऊपर का जो बॉक्स बना है ये आपका मफ है, ठीक। उसमें पहले में जो आपको समझाए थे उसमें क्या था, जो ऊपर का मफ था यह फिक्स हुआ था, मतलब कैप के समान था, ठीक है, और बीच में क्या था, आपको दोनों शाफ्ट फिक्स किए गए थे, बट इसमें जो मफ है ये ओपन है। आप क्योंकि इसको जो है, जो शाफ्ट है इसको फिक्स करने के लिए सबसे पहले इसको जो है सैडल कुंजी द्वारा मफ लैफ को बनाते हैं टेपर फॉर्म में बुलाएंगे। ये 1:1 होगा ये चीज, और इसी डायरेक्शन में ये दो टेपर, मतलब ये फर्स्ट सॉफ्ट हो गया आपका, सेकेंड सॉफ्ट हो गया, ये दोनों टेपर फॉर्म में हो गए, ठीक है, ये दोनों टेपर फॉर्म में हो गए। अब आप जब इसको आप फिक्स कर देंगे, सबसे पहले इसको आप एक दूसरे के ऊपर ऐसे रखेंगे, फिक्स करेंगे, फिर उसके बाद आप एक मफ को दोनों साइड से लगाएंगे और की से आप इसको ज्वाइन कर देंगे नट बोल्ट की सहायता से। की है आपके, ये की है, नट बोल्ट की सहायता से आप इसको फिक्स कर देंगे। अब आप इसको देखिए, दोनों शाफ्ट जो हो गए, आप इसको दोनों डायरेक्शन से जब खींचेंगे तो ये शाफ्ट अलग नहीं होंगे, क्योंकि ये लॉक टाइप का हो गया। जब आप इसको इस डायरेक्शन में खींचेंगे और इस शाफ्ट को इस डायरेक्शन में खींचेंगे तो देखिए यहाँ पे जो लॉक फिक्स बन गया ना, तो ये इसको जो है निकलने नहीं देगा। तो यह आप हाफ लेफ मफ कपलिंग है। इसका प्रोसेस बहुत अच्छा है, ये बहुत यूज होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे स्प्लिट मफ कपलिंग। इसके अंतर्गत मफ को कास्ट आयरन तथा 2 हाफ सिलेंडर भागों में बनाया जाता है, जो एक दूसरे से बोल्टों और नटों की सहायता से जुड़ते हैं। जोड़ी जाने वाली शाफ्ट को सिरों पर इन्हें नीचे तथा ऊपर से लगातार बोल्ट द्वारा जोड़ दिया जाता है। कपलिंग को शाफ्ट पर क्लैंप कर दिया जाता है, इसलिए इसे क्लैंप या क्लैंप कंप्रेशन कपलिंग भी कहते हैं। इसमें आप देखिए, ये बहुत इंटरेस्टेड है स्प्लिट मफ कपलिंग। इसमें जो ये मफ का पोर्शन आप देख रहे हो, ये मफ का पोर्शन जो है इसको दोनों साइड से नट और बोल्ट से कसा जाता है। मतलब इस दोनों शाफ्ट को, शाफ्ट नंबर ये है, शाफ्ट 2 है, दोनों शाफ्ट को लगाने के बाद ये मफ को दोनों साइड से जब लगाएंगे तो यह देखिए, ये मतलब यहाँ से इस बोल्ट को यहाँ से लगाने की कोशिश करिए, ये बोल्ट इधर से लगा हुआ है ये, और इधर से ये बोल्ट की सहायता से लगाया गया, कसा गया, ठीक। ये नट इधर से लगा, नट बोल्ट इधर से, देखिए यहाँ से ज्वाइंट कसा गया है। मतलब ये समझ लीजिए, आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं, जैसे ये कैप है ये ओपन फॉर्म में है, ठीक, ये दो कैप है, इसको दोनों कैप को हम जोड़े हैं, इसमें बीच में हम शाफ्ट को लगा देंगे, ठीक है। शाफ्ट को लगाने के बाद आप इस डायरेक्शन से जब बोल्ट को लगाएंगे और इधर इसको कस देंगे, ठीक है, नट को इधर नट बोल्ट की सहायता से जब इसको कस देंगे तो ये जो फॉर्म बन रहा है इसको आप स्प्लिट मफ कपलिंग देखेंगे। इसमें आपको देखने की कोशिश करिए, ये चीज देखिए, यहाँ पे देखिए इस डायरेक्शन से नट लगा है, इस डायरेक्शन से नट लगा है, दोनों बीच में जो ये शाफ्ट है, ये बीच का शाफ्ट के इस साइड का पोर्शन दिख रहा है, ये साइड का पोर्शन शाफ्ट है, दोनों साइड से बोल्ट लगा दिए, ये कस गया इसमें, ये शाफ्ट देखिए बीच में आ गया। तो यह जो फॉर्म है स्प्लिट मफ कपलिंग, इसका यह प्रोसेस है, वर्किंग प्रोसेस ये है। वर्किंग प्रोसेस में थोड़ी बात और आपको बताते हैं। जैसे इस कपलिंग का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसे सीधे कहीं भी, जैसे इस कपलिंग का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसे सीधे कहीं भी शाफ्टों को जोड़ने में प्रयोग कर सकते हैं, जहां मफ कपलिंग प्रयोग नहीं की जा सकती, क्योंकि मफ को एक सिरे से पहले फैलाया जाता है, फंसाते हैं, जबकि स्प्लिट को दोनों शाफ्टों पर ऊपर सिरे पर लगाकर बोल्ट से कस दिया जाता है। इसका प्रयोग कम से कम माध्यम से मरोड़ पारोषण किया जाता है। इसका यूज आप बड़ी बड़ी हैवी मशीनों में देखेंगे स्प्लिट मफ कपलिंग का।
आज का टॉपिक कंप्लीट होता है एंड नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक हम आपको फ्लेंज कपलिंग के बारे में बताएंगे, वीडियो अपलोड करेंगे। ओके, थैंक्स अ लॉट, बाय।